Hello guys, this is CA Aditya Sharma, Faculty for Financial Management and Economics for Finance. Guys, ये वीडियो में आपको दो पॉइंट पे खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ. सबसे पहला जो फास्ट ट्रैक हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में बताने के लिए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो का होने वाला है वो इस बुक को लेकर. तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको FM के और ECO के फास्ट ट्रैक के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ. अगेन, ये जो फास्ट ट्रैक रहेगा ये CA इंटर और CA IPCC दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. जो IPCC के स्टूडेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक्स पार्ट ये इग्नोर करना है, और आपको डिविडेंड डिसीजन ये चैप्टर भी इग्नोर करना है, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग भी. उसके अलावा आपका सिलेबस सिमिलर है, तो ये दोनों के लिए कंसर्न वीडियो है. अबाउट फास्ट ट्रैक, सर इसमें लेक्चर कितने होने वाले? FM के अंदर टेंटेटिवली 19 लेक्चर होने वाले न्यू सिलेबस के अंदर, और दो तीन आपको लेक्चर कम कर देने हैं IPCC के लिए. इकोनॉमिक्स और फाइनेंस 8 लेक्चर के अंदर मैंने टोटल कंप्लीट करवाया है. इसकी अवेलेबिलिटी आपको 20th फेब ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि ऑनलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं 20th फेब 2020 से, और पेनड्राइव आपको 25th फेब 2020 को मिल जाएगी. एज आई टोल्ड यू, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ CA इंटर एंड CA IPCC. गाइस, ये वीडियो का मेन फोकस आज ये बुक रहने वाली है. इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको ये बुक दिखाऊंगा कि ये बुक कैसे बनाई गई है, इसके अंदर क्या है, आपको फास्ट ट्रैक लेना चाहिए या सिर्फ ये बुक से भी आपका काम हो जाएगा. ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, मैक्सिमम शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको इस बुक के अंदर और कोई एडिशनल यूटिलिटी चाहिए हो. तो बुक आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है. इसका नाम है FM एंड इकोनॉमिक्स फास्ट ट्रैक. मैं और भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस बुक के बारे में. सो इसके की हाइलाइट्स हैं. सबसे पहले तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड है. इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया गया है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें रेलेवेंट है वो सारी चीजें इसके अंदर कवर करी गई है. 90-95% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस इसके अंदर मैंने डाला है, मतलब 100% कवरेज सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है. इसके अलावा बाहर से इसके अंदर कुछ नहीं डाला है मैंने. इसके अंदर मैंने इस बार क्या किया है, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को क्लब कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर ही मल्टीपल मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर कर दी गई है. तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे. लिमिटेड क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम सिलेबस का कवरेज हो जाएगा. सर इसके अंदर आपने क्या क्या कवर किया है? मैंने RTP, MTP, स्टडी मटेरियल, ओल्ड स्टडी मटेरियल, न्यू स्टडी मटेरियल, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, एवरीथिंग इज कवर्ड. इन शॉर्ट, अगर आप CA इंटर या फिर CA IPCC दोनों में से किसी के भी स्टूडेंट है तो आपके लिए मटेरियल सेल्फ सफिशिएंट होने वाला है. सबसे ज्यादा टेंशन हमें थ्योरी के बारे में आता है कि सर थ्योरी पढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो फॉर मी थ्योरी इज लाइक अ सेवियर. अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेट्स से कैपिटल बजटिंग का, तो स्ट्रेट अवे 10 मार्क्स होने से अच्छा अगर आप थ्योरी का सहारा लेते हैं तो 10 में से आपको 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और एक एक दो दो मार्क्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है CA पेपर में. दोस्तों थ्योरी किस तरीके से दिया मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा. इसके अलावा मैंने यहां पर चार्ट्स इनकॉर्पोरेट करे हैं. जनरली सभी लोग चार्ट्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, फॉर्मूले इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, पर इस बार मैंने चार्ट्स और फॉर्मूले को इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करा है कि वहां पे आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, इसके सारे हिंट्स मैंने वहां पे दे रखे हैं. तो ये सिर्फ फॉर्मूले का कोई बुकलेट नहीं है. मैं जनरली फॉर्मूला बुकलेट में बिलीव नहीं करता हूं, तो ये कोई फॉर्मूला बुकलेट नहीं है. यहां पे आपको चार्ट के अंदर टोटल 100% रिवीजन, जो भी मैं पहले दो तीन लेक्चर में करवाता हूं, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जो मैं सारी चीजें सिखाता हूं, वो सारा क्रक्स मैंने यहां पे दे रखा है आपको. फिर मैं देता हूं आपको सेल्फ डिक्टेटेड नोट्स. इसके अंदर जब मैं रेगुलर क्लास लेता हूं तो जो ICAI का मटेरियल रहता है मैं उसकी लैंग्वेज जनरली यूज नहीं करता हूं, क्योंकि वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है. तो मैं कुछ अपने नोट्स डिक्टेट करता हूं स्टूडेंट्स के लिए. तो जो रेगुलर क्लास मेरे साथ करता है वो अपने हाथों से ये नोट्स लिखते हैं, पर क्योंकि ये फास्ट ट्रैक मोड है या फिर आपको ये बुक अवेलेबल करवा के चाहिए, सिर्फ आपको लेक्चर्स नहीं देखने, तो ऐसे केस में आपको मैंने सेल्फ डिक्टेटेड नोट्स दे रखे हैं. फिर इसमें मैंने सबसे लास्ट में स्टडी प्लानर इनकॉर्पोरेट करके रखा है कि हर चैप्टर को आपने कितना टाइम देना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन के लिए, सेकंड रिवीजन के लिए और एग्जाम से पहले भी. ये फास्ट ट्रैक वीडियो सर किसके लिए एप्लीकेबल है? फास्ट ट्रैक वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका खास करके मई 20 में अटेम्प्ट है, IPCC वाले स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं. गाइज, ऐसे समय आपको एक फास्ट ट्रैक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में मैंने कवर करवाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहां पे कवर करवाए, सारे कॉन्सेप्ट कवर करे, पूरी मेहनत ली है मैंने इस बार,
ताकि आप लोग पास हो जाएं। और सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहां पर एक और आप लोगों के लिए तोहफा इसमें जोड़ के रखा है, मैंने आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस 16 पेज के अंदर कॉम्प्रेस करके डाल दिया गया है। अगेन नो डाउट वी स्मार्ट है तो कलर नोट्स होने ही, इंटरैक्टिव नोट्स तो होने ही है, ये सारी चीजें मैंने इसमें डिटेल में आपके लिए कवर करके रखी है। तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स कहीं 20, 30, 40 की रेंज में भटक रहे हैं तो आपको ये फास्ट ट्रैक लेने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर आप कहीं 40 को क्रॉस, 45 को क्रॉस कर रहे हैं और आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक से भी आपका काफी हद तक पर्पस सर्व हो जाएगा। देखो रेगुलर, फास्ट ट्रैक और बुक तीनों में फर्क है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बाय करना है। फास्ट ट्रैक आपको वी स्मार्ट अकेडमी की साइट पर मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हमने इस बार अवेलेबल करवा के रखा है। जस्ट एट बुक कॉस्ट अगर आप पूरा का पूरा ग्रुप वन लेते हैं तो मैं पूरा का पूरा ग्रुप टू आपको बुक कॉस्ट में अवेलेबल करवा के दे दूंगा, यानी कि वी स्मार्ट ही आपको बुक कॉस्ट पे अवेलेबल करवा के दे देता है। लेकिन अगर आप ग्रुप टू के इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी बाय करना चाहते हैं तो भी वहां पे आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल करवा के दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो मेहनत ली है बुक के ऊपर वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। और मैं इस नोट्स में से जो कैपिटल बजटिंग सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है अभी का, उसके समरी नोट्स, डेमो नोट्स मैं आपको यहाँ पे नीचे लिंक में, टेलीग्राम की लिंक रहेगी उसके अंदर मैं नोट्स डाल दूंगा। डेमो लेक्चर आपको दो एक दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेरी रहे तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7887-7887-07 इस नंबर पे। आप मेरे चैनल पे सी आदित्य शर्मा वहां भी कमेंट कर सकते हैं, यहां भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बुक के बारे में कुछ फीचर्स दिखाने वाला हूं। गाइस ये प्रीफेस और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं और मैंने अभी आपको ये सारे की पॉइंटर्स कवर करवाए। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम प्लानर। यहां पे आपने कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे अदर एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन से चैप्टर को कितना मार्क्स अलॉट किया गया है, कौन से चैप्टर को कितना रिवाइज करना है आर्स टर्म्स में, कौन से चैप्टर को सेकंड रिवीजन में कितना टाइम देना है, ये सारे आइडल टाइम्स मैंने यहां पे एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करके रखे। अगर आप ये प्लानर के हिसाब से चलेंगे तो नो डाउट आपके बोथ ग्रुप अभी भी क्लियर हो सकते हैं, और अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ही ज्यादा सफिशियंट टाइम बचा हुआ है। मैं आपको स्ट्रेट अवे लेकर चलता हूं कैपिटल बजटिंग के नोट्स पे। सो गाइस दीज आर द नोट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, हैव अ लुक एट दिस। यहां पर जैसे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती है, पेबैक पीरियड होता है, एआरआर होता है, रेसिप्रोकल पेबैक होता है, एनपीवी होता है, ईआरआर होता है, ये सारे जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने इस तरीके से कवर किया गया है। यहां पर मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, स्टेप्स बताए हैं, ये स्टेप्स को याद करने का तरीका बताया है। सबसे बड़ी बात मैंने इनका क्रॉस रेफरेंसिंग एक मेन टेबल से नीचे दे रखा है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मैंने ऐड करी है प्रिकॉशंस, कि अगर ये वाले क्वेश्चन आ जाते तो आपने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। इन केस अगर आपने आंसर सॉल्व करते टाइम मिस्टेक कर ली और आप वापस जाके इस मेथड को देखोगे तो आपको प्रिकॉशन में दिखेगा कि आपने वही शायद मिस्टेक करी होगी। बात यहां तक क्लियर है? इसके बाद ये मेन टेबल, ब्लैंक फॉर्मेट, ब्लैंक चार्ट्स, मैंने सारी चीजें इसके अंदर ऐड करके रखी है। फिर उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लासरूम की नोट्स का, जो मेरे सेल्फ डिक्टेटेड नोट्स थे वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स पे रिलाय करना चाहते हैं, अगर आपके नोट्स इनकम्प्लीट है, सिर्फ नोट्स पे रिलाय करना है, तो यहाँ पर जो भी मैंने क्लासरूम में आज तक डिक्टेट करवाया वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने दे रखी है, और अगर उसका कोई रेफरेंस किसी क्वेश्चन नंबर से हो रहा है तो वो भी यहां पर मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके रखा है। तो यहां पर आपको मिलेंगे क्लासरूम की नोट्स, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा क्लासरूम सेक्शन, जहां पे मैं आपको डिफिकल्ट और मोस्ट रिकरिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में, यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे हम सारे यहां पर ही कवर करेंगे, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी जो यहां पे कवर नहीं हुई होगी। इसके अलावा देखिए फास्ट ट्रैक है, अब आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैंने क्या किया 8-8, 9-9 क्वेश्चन हर चैप्टर में लिए ही है, उसके अलावा भी 10-12 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व सेक्शन में डाल दिए। तो सर सॉल्व सेक्शन का फायदा क्या है? सॉल्व सेक्शन इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने सॉल्व करवाया, इतना प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में सॉल्व करवाया कि यू विल फॉल इन लव विद दैट। इसके अलावा आईसीएआई जनरली एक्सपेक्ट करती है कि आप स्टेप्स फॉलो करो, आप फॉर्मूला लिखो, आप उसका एक्सप्लेनेशन दो, ये सारी चीजें जनरली स्टूडेंट क्लासरूम में भूल जाता है करना, या फिर अगर वो रेपिटेटिव क्वेश्चन करता है ना तो क्या करता है शॉर्टकट करना चालू कर देता है। तो यहां पर मैंने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप कवर करवाई है ताकि एग्जाम में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो ये जो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट आपको सॉल्व क्वेश्चंस में मिलेगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। द लास्ट थिंग इज क्विक रिविजन। जब मैं क्लास में कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो हो सकता है उस क्वेश्चन में 5 पॉइंट हो, बीइंग अ टीचर मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 डिफिकल्ट है, तो मैं वहां क्विक रिविजन में लिखवा देता हूं।
बीइंग अ स्टूडेंट आपको लगता है पॉइंट नंबर फोर डिफिकल्ट है तो आप वहां पे लिख सकते हो, किसी को लगता है पॉइंट फिफ्थ डिफिकल्ट है तो वहां लिख सकते हैं। द थिंग इज यहां पर हम ऑलरेडी सॉर्टेड जो क्वेश्चन है हमारे 20-30 क्वेश्चन जो रेगुलर क्लास में करते थे, यहां पर हम 15-16 ही करने वाले, ठीक है। उसमें से भी मैक्सिमम सॉल्व में रहेंगे, कुछ अनसॉल्व में रहेंगे, या इस तरीके से कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें भी अगर सॉर्टिंग करनी है तो क्विक रिविजन में लिख देंगे कि भाई मेरे को तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी जा रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहता इसे, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे क्विक रिविजन सेक्शन में मिल जाएगी। लास्टली गाइस, ब्लैंक फॉर्मेट्स के बारे में भी आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट नहीं करा है। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या क्या चीजें उसमें एक्सपेक्टेड है, क्या क्या लिखना पड़ता है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर डाल रखी है। आपको यहां फॉर्मूला भी मिलेगा, उसके बाद ब्लैंक फॉर्मेट में कैसे पुट करना है, उसका सपोर्टिंग वर्किंग नोट्स भी बना रखा है, फॉर्मुलेस बना रखे हैं, ब्लैंक फॉर्मेट फिर से जहां जहां आपको चाहिए रहेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन में वहां पे कवर करवाया है मैंने। अगेन जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको फैक्टरिंग के क्वेश्चन आते हैं, डेटर्स की पॉलिसी इवैल्यूएट करनी रहती है, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके लिए कवर करवाए हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल मटेरियल साबित होने वाला है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। गाइस ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करिए। इस बुक को लॉन्च करने के पीछे मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, क्योंकि आपकी कृपा से हमेशा मेरा सेल अच्छा ही रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोगों ने मेरे साथ क्लास नहीं ली है वो लोग भी इस बुक का फायदा उठाएं। तो मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करिए इस बुक के बारे में और फास्ट ट्रैक के बारे में। फास्ट ट्रैक भी मैं आपको बता दूं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल करवा दिया गया है, इनफैक्ट कुछ बार तो जस्ट एट बुक कॉस्ट भी कवर करवाया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम गिविंग यू माई सेल नंबर, इट्स 7887 7887 07। तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो पहले 256 स्टूडेंट रहेंगे उनका मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा और वहां पे मैं उनकी पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग करूंगा, मैं उन पे ध्यान जरूर दूंगा। 256 से नंबर इसलिए रखा है क्योंकि मैं एक सिंगल ग्रुप ही मैनेज करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा ग्रुप मैनेज नहीं करना चाहता। गाइस एक और हेल्प मुझे आपकी तरफ से चाहिए, जो बुक है ये नो डाउट बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है, लेकिन इस बुक को अभी मैंने नाम दिया है सिर्फ फास्ट ट्रैक नोट, ये फास्ट ट्रैक मटेरियल में जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ इस बेहतरीन मटेरियल में, बेहतरीन मटेरियल को क्या नाम देना चाहिए ये मैं नहीं, आप मुझे सजेस्ट करोगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर मेरा चैनल सी आदित्य शर्मा, वहां पे कमेंट करिए इस बुक का नाम, जो नाम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसका नाम भी है, उस स्टूडेंट का नाम मैं अनाउंस भी करूंगा और बुक को ये नाम जो आप सजेस्ट करेंगे जो सबसे अच्छा मुझे लगेगा वो नाम मैं बुक को भी दे दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये बुक पहुंचाओ और ये बुक मैं आपको एट नॉमिनल कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।